तक ब्यूरो। ये पहली बार नहीं है जब मुंबई में बिल्डिंग को लेकर इस तरह का हादसा हुआ है। मलाड हादसे पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि हादसा नहीं मर्डर है। राम कदम के मुताबिक बीएमसी पर लापरवाही का केस बनता है। ये मौत नहीं है, ये शिवसेना शासित मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही है, उनकी ओर से की गई हत्या है। जब इस प्रकार के अवैध निर्माण हो रहे थे, आसमां को छूने वाली झोपड़पट्टियों में हाइट बढ़ाई जा रही थी, ऊंचाई आसमां को छूने जा रही थी, उस समय शिवसेना के मुंबई महानगर पालिका में सत्ता भोगने वाले नेता क्या कर रहे थे? विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त मुंबई से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। विद्या, सबसे पहले तो इस हादसे के बारे में ताजा अपडेट बताएं, और दूसरा ये कि बीएमसी से लगातार ये उम्मीद की जाती है और ये उनका दायित्व तो भी है कि इस तरह की इमारतों को चिन्हित करें जो बहुत पुरानी हैं और उन्हें खाली कराएं, इवैक्यूएट कराएं समय रहते, और दूसरी जगह उन लोगों को ट्रांसफर करें क्योंकि ये इमारतें सुरक्षित नहीं है किसी भी लिहाज से। जी बिल्कुल, यही वजह है कि फिलहाल जो यहाँ पर जितने बीएमसी के अधिकारी हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो हादसा हुआ है उस पूरे मलबे को यहाँ से निकालें। अगर कोई है यहाँ अभी भी दबा हुआ तो उसको निकालें। एक ही परिवार के 9 लोग इस हादसे में गुजर गए हैं। रफीक जो इस घर के जो मालिक हैं उनसे हमने बात की, उनका कहना है कि घर कमजोर नहीं था, लेकिन हाँ कल यहाँ तेज बारिश जो हुई थी मुंबई में उसकी वजह से यहाँ पानी भरा हुआ था। वही बात बीएमसी की, तो बीएमसी का कहना है कि ये जो जमीन है ये कलेक्टर की जमीन है, कलेक्टर के की देखरेख में ये जमीन होनी चाहिए थी, और यही वजह है कि बीएमसी के अधिकारी इस मलबे को फिलहाल साफ कर रहे हैं, लेकिन दबी जबान में ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त कलेक्टर की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनकी देखरेख करे। वहाँ इनके कलेक्टरेट जो कलेक्टर है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर काफी